आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर धनबाद के भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बिजली विभाग के एसडीओ मनोज कुमार सिंह को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के नाम एक मांग पत्र सौंपा। पूर्व विधायक ने कहा कि धनबाद विधानसभा में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। विधानसभा के तीनों प्रखंड धनबाद गावा तीसरी में 16 घंटे बिजली मिल रही थी, जहाँ उसे घटा कर 4 से 5 घंटे कर दिया गया है। साथ ही कुरुमडेगा पावर ग्रेड से मार्च महीने से धनबाद में 24 घंटा बिजली देने की बात कही, परंतु आज तक यह चालू नहीं हो पाया है। साथ ही धनबाद गावा तीसरी देवरी बिरनी व जमुआ इन 6 प्रखंडों में 25 मेगावाट बिजली दी जा रही थी, जिसे घटाकर 12 मेगावाट बिजली दी जा रही है, जबकि खपत 25 मेगावाट से बढ़कर लगभग 40 मेगावाट हो गई है। बिजली की कटौती जनता के साथ विश्वासघात है। वहीं कई बार ट्रिप कर मात्र 4 से 5 घंटे बिजली दी जाती है और जहां भी ट्रांसफार्मर जल रहा है वहां मुद्रा मोचन हो रहा है, कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कहा कि आधी बिजली समस्याओं को लेकर एसडीओ तथा बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया कि इन समस्याओं को गंभीरता से समाधान जल्द से जल्द करें। खोरी महुआ से अपू पांडे की रिपोर्ट। क्या पहल किया बिजली समस्या को लेकर? आज पहल किया गया कि लॉकडाउन के दौरान में 4 महीना से धनबाद की बिजली जो 12 से 16 घंटा मिलती थी, आज 4 से 6 घंटा भी नहीं मिल पा रही है, और जो मिल भी पा रही है तो 20 से 30 40 बार ट्रिप किया जा रहा है। आज लोगों को मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए आज हमने एसडीओ और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के नाम से एक पत्र दिया हूँ, अल्टीमेटम दिया हूँ कि इस समस्या को गंभीरता से समाधान करें, और नहीं तो 20 जून के बाद में भाकपा माले के द्वारा फिर से बिजली विभाग को खिलाफ में एक आंदोलन करेगी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने धनबाद को 9 MVA बिजली, हमारे विधानसभा को सब मिला करके 25 MVA बिजली मिल रही थी, जो आज कटौती करके 12 MVA मतलब मेगावाट कर दिया गया। तो ये जो है सो खिलवाड़ हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ के सांसद और विधायक जो है वो सिर्फ पत्राचार करते हैं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए बिजली विभाग से लेकर के तमाम विभाग के लोग सोच लिए कि भाकपा माले के विधायक चुनाव हार गए हैं, तो शायद अब मनमाना राज हम लोग करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने अल्टीमेटम दिए हैं कॉमरेड विनेश संथालिया और हम लोग पूरे, और जहाँ भी ट्रांसफार्मर जल रहा है वहाँ भी मुद्रा मोचन हो रहा है। अभी आप देखें कनेक्शन के नाम पर कैसे 8,000 रुपया मांगा जा रहा था, जो एसडीओ साहब ने क्लास भी लिए अपने कर्मचारियों को। तो इस तरह की लूट खसोट हम लोग नहीं होने देंगे, और फिर से धनबाद में कैसे माने बिजली 20 से 22 घंटा 15 से 16 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोगों ने आज एक चेतावनी भी दिया है।